हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है सब अच्छे से होंगे। देखिए फ्रेंड्स, देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये विनका का पौधा है। और देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये मेरा लास्ट ईयर का विनका है और डोरमेंसी में चल रहा था, और अब इसमें फ्लावरिंग इस समय आते ही स्टार्ट हो गई है। बहुत प्यारा कलर है, मैंने इसकी थोड़ी कटिंग कर दी थी, तो देखिए कितनी सारी बड्स बन रही हैं और कितनी फूल इसमें खिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये गर्मियों का पौधा है मेन, और कहीं कहीं पर इसमें विंटर में भी फ्लावरिंग हो जाती है। तो लेकिन मेरे यहाँ ये विंटर में डोरमेंसी में चल रहा था। अभी ये वाला देखिए, इसमें भी कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। मुझे ध्यान नहीं है किस कलर का है। थोड़ी सी अब इसकी कटिंग प्रूनिंग कर देंगे और खाद दे देंगे तो ये आपको खूब ढेर सारे फूल देगा। तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं करी है क्योंकि ये मैंने विंटर से पहले ही एक लगाया था, तो सीड से ग्रो किया था और बहुत प्यारा कलर निकला। मेरे पास इसके कई सारे कलर हैं और कुछ कलर मैं न्यू भी ऐड करूँगी अपने गार्डन में। तो जो देसी वाला होता है वो तो जगह जगह निकल आता है, लेकिन ये हमारे हाइब्रिड वाले जो होते हैं ये हमें या तो नर्सरी से लाने पड़ते हैं, कटिंग से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, और या फिर सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये अपने आप ही निकल आया था फ्रेंड्स, सॉरी, ये सीड से ग्रो किया था मैंने, और ये वाले अपने आप निकल आते हैं। देखिए देसी वाला है ये, और मेरे पास एक पिंक कलर है वो भी बहुत प्यारा है, तो उसके भी पौधे निकल आए हैं, अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बेबी पिंक कलर का है, बीच में इसमें डार्क पिंक कलर है। अब मैं इसको किसी पॉट में शिफ्ट करूँगी और ये फिर जो है अच्छे से चलेगा और खूब फ्लावरिंग करेगा। और देखिए ये मेरे अडीनियम के कुछ पौधे बच गए हैं, और मेरी एक फ्रेंड ने भी मांगे हैं, दो पौधे ये हैं और एक दो और हैं फ्रेंड्स। तो मैं इनको अभी किसी दूसरे उसमें शिफ्ट करूँगी ये बास्केट में से हटा करके। तो हम लोग बात कर रहे थे विनका की, तो देखिए ये एक निकल आया है, एक ये वाला भी खिलने वाला है और एक ये वाला भी खिलने वाला है। अगर ये मेरे पास कलर नहीं हुए तो मैं रखूँगी इनको, वरना मैं हटा दूँगी या किसी को दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, विनका के मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, और वैसे तो विनका बहुत हार्डी होता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा पानी का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने हाइब्रिड विनका में पानी बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर दी तो फिर ये मर जाता है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आप ओवर वाटरिंग ना करें, और समय समय पर इसमें जो सीड बनने लगते हैं वो सीड आप तोड़ते रहिए, वरना आपकी फ्लावरिंग जो है वो बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी और सीड ही बनते रहेंगे। तो इसलिए इसका जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आप इसमें ओवर वाटरिंग ना करें और इसमें सीड ना बनने दें। अगर आपको सीड की ज़रूरत है तो आप अभी ना लें सीड, क्योंकि अभी तो फ्लावरिंग स्टार्ट ही होगी, और अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी में इसको लगाएं। तो वेल ड्रेन मिट्टी में अगर आप इसको लगाएंगे तो विनका आपका कभी नहीं मरेगा, और अगर इसमें पानी रुकेगा तो विनका आपका मर सकता है। कटिंग से भी ये ग्रो हो जाता है, लेकिन मैं कटिंग लगाना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि कटिंग के लिए फिर वेट करना पड़ता है। इसलिए मैं या तो सीड पहले से ही डाल देती हूँ और मुझे समय पर पौधा मिल जाता है, और अगर सीड से नहीं ग्रो करती हूँ तो फिर मैं नर्सरी से ले आती हूँ। मैंने इसमें का एक एक दो तो पौधे कटिंग से भी ग्रो किए हुए हैं वैसे, और उसमें भी फ्लावरिंग हो गई है, लेकिन कटिंग का हमें वेट बहुत करना पड़ता है। तो इसलिए फिर आप अगर कटिंग से लगाना चाहते हैं तो अभी लगा लीजिए, कटिंग का मौसम अच्छा है अभी कटिंग लगाने का, तो कटिंग लगा सकते हैं आप अभी, और कटिंग से अपने मनपसंद कलर का आप इनका ग्रो कर सकते हैं। तो वैसे तो इसकी कोई ख़ास केयर नहीं होती है विनका की, लेकिन हाइब्रिड वाले की थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, और जो है देसी वाले ऐसे ही चलते रहते हैं, कई बार तो रोड किनारे निकल आते हैं और जंगल सा पूरा बन जाता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा कंपोस्ट का ध्यान देना पड़ेगा, कंपोस्ट दें या लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। लिक्विड फर्टिलाइज़र दें तो आप तब दें जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई हो, तब आप इसको दें, तब फ़ायदा करेगा। और वर्मी कंपोस्ट एक आध मुट्ठी दे सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसकी
केयर कर सकते हैं। और फुल सनलाइट में रखिए, इनका को जो है वो धूप पसंद होती है, तो गर्मियों में भी इसको फुल सनलाइट में रखिए आप इसको, और इसकी इस तरीके से देखभाल करेंगे तो खूब अच्छी फ्लावरिंग होगी और आपका पौधा मरेगा भी। तो फ्रेंड्स, विनका की छोटी सी जानकारी थी, और आशा है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।